दोस्तों वेलकम टू द ब्रोलियोनिक। आज जो है हम गैरी विनाटी की जो पुरानी वीडियोस देख रहे थे उसमें से आज हम चौथी वीडियो देखेंगे जो कि है हाउ टू सर्वाइव इन अ जंगल, जो कि आप में से किसी ने मुझे सजेस्ट की थी। तो शुरू करते हैं। क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? क्यों क्यों भाई क्यों? तो कैसे हैं आप लोग? आज मेरे पास आपके लिए एक और सवाल है। अगर गलती से भी, नहीं भगवान ना करे, अगर आप गलती से भी किसी जंगल में फंस जाते हो तो आप क्या करोगे? नहीं, हाउ विल यू सर्वाइव? इसीलिए आज मेरे पास एक वीडियो है जो आपको ट्यूटोरियल बताएगी हाउ टू सर्वाइव इन अ जंगल। तो आप तैयार हैं? शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। जंगल में किसी जिंदा लड़के में तुझे दिखाऊंगा। बहनचोद क्या बोल गया? जंगल में किसी जिंदा लड़के में तुझे दिखाऊंगा। एक तो अपनी जीप पे ना तेल लगाना बंद करो साले, इतनी फिसलती है, समझ में नहीं आता क्या कह रहे हो। और भाई देखो डिस्कवरी का लोगो है, बहुत बढ़िया भाई, कमाल कर दिया। लकड़ी ला लो। सबसे पहला कदम टूवर्ड सर्वाइवल इन जंगल, पीड़ी भूखते हुए झाड़ियों में उंगल दो। अगर ये स्टेप आप नहीं करोगे ना तो भाई 2 घंटे के अंदर अंदर कोई अजीब सा प्राणी आपका रेप करके चला जाएगा। तो भाई ये करना जरूरी। अब अच्छा थोड़ी ना लगेगा आपको कि भाई आपका कोई रेप करके चला गया, तो भाई करना पड़ेगा, झाड़ियों में उंगल देनी ही पड़ेगी। बहुत बार से निकल है वो झोपड़ी बनाने का, बहुत मुश्किल है। वो लकड़ी कहाँ है, चल ढूंढो। अगर बारिश आ रही है तो हम झोपड़ी बनाएंगे, ये नहीं कि पेड़ के नीचे बैठ जाओ, ना भाई ना, हम तो पूरी झोपड़ी बनाएंगे। और जरा देखना झोपड़ी कैसे बनाता है ये बंदा। इसे बना दो, चलो लकड़ी लिख लो। पत्तों के ऊपर पत्ते रख दिए इस प्राणी ने और झोपड़ी घोषित कर दिया उसे, और मस्त बैठ भी गया नीचे। और ये बारिश की आवाज इतनी बुरी है ना, ऐसा लग रहा कोई साइड में खड़ा होके मूत रहा है। आप चलन का ही आग। इससे बुरी घटिया और नकली आग मैंने अपने 16 साल के जीवन में आज तक नहीं देखी। और ये क्या कर रहा है साले? तू गत्था रगड़ रहा है और उसमें से आग निकल गई। बहनचोद क्या रामायण चल रही है? मायावी दुनिया में है ये बंदा। बिल्कुल ओ, ये तो उड़ गया था। तुझे पानी निकल रही क्या? कहां से पी रहा है? बहुत मुझे पेट में दर्द आ रहा है, नहीं मैं चाहूंगा। किसने कहा था, नहीं किसने कहा था रजनीकंधा के नशे करने को? अब बीच बीच में मिर्गियां पड़ रही है ना, देख लो ये बंदा ऐसी मिर्गी के द्वारों से तड़पता रहा पूरे 7.5 घंटों तक। इसलिए कहते हैं जब भी जंगल जाओ भाई नशा कभी मत लेके जाओ। ये तो ठीक हो गया। मदद मांग रहा है या मजाक कर रहा है? अगर ऐसे कोई मांगता ना मदद तो भाई सामने से भी अगर बंदा आ रहा हो तो भाई इग्नोर मार के चला जाएगा, हेलीकॉप्टर तो दूर की बात है। सामने अगर मजाक करेगा तो भाई मजाक वाला हेलीकॉप्टर आएगा। और इसकी बावड़ों जैसी चाल से पता चल रहा भाई अभी भी नशे के अंदर है ये बंदा। तो भाई हम इस वीडियो से क्या सीखते हैं? What do we learn? सबसे पहले बीड़ी फूंकते हुए झाड़ियों में उंगल दो, उसके बाद पत्तों पे पत्ते रख के एक चूतिया सी झोपड़ी बनाओ ताकि सामने जो बंदा मूत रहा है उससे बच सके हम। उसके बाद रजनीकंधा वाले नशे करो ताकि मिर्गी से हमारा टाइम पास हो जाए। फिर चूतियों की तरह मदद के लिए हाथ हिलाओ ताकि एक चूतिया सा हेलीकॉप्टर हमें आके ले जाए। ये है आपकी कंप्लीट गाइड टू सर्वाइव इन अ जंगल। Yeah.
तो भाई आज के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे पता है तुम लोग बीबी का रोस्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन यार उसे अभी थोड़ा टाइम है, मैं बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं मचाना चाहता। ठीक है, तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो यार लाइक मारो। एम करते हैं 360 लाइक्स, 360 लाइक्स। और अगर नए हो तो यार सब्सक्राइब करो, बैठो उसके ऊपर, कुश्ती लड़ो भाई उस लाल बटन के साथ। मुझे नहीं पता यार, वीडियो थोड़ी छोटी थी लेकिन बहुत बढ़िया थी वीडियो, जिसने भी सजेस्ट की है थैंक यू, और ऐसे ही सजेस्ट करते रहिए और मैं वीडियो देखता रहूँगा। और लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर देना, बस जाओ ऐश करो।